राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत बुधवार को सार्वजनिक यात्री सेवा यान से यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन रेलवे बस स्टेशन पर किया गया, जिसकी अध्यक्षता सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन प्रथम SP श्रीवास्तव ने किया। जागरूकता कार्यक्रम में यात्री कर अधिकारी श्वेता गुप्ता ने बसों में ड्यूटी कर रही महिला कंडक्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में महिलाओं का भी उतना ही योगदान है जितना कि पुरुष का है, तथा उन्होंने कहा कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के हर सेवाओं में अपना योगदान दे रही हैं। उन्होंने महिलाओं को यातायात नियमों की पालन करने की अपील करते हुए कहा कि सड़क पर चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट तथा दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें तथा ट्रैफिक रूल्स का पालन करें तथा किसी भी तरह की समस्या होने पर महिला हेल्प नंबरों पर सहायता लें। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारी और कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा के प्रति कर्तव्य व निष्ठा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर यात्री कर अधिकारी इरशाद अली, श्वेता गुप्ता, संभागीय निरीक्षक सीमा गौतम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन प्रथम SP श्रीवास्तव ने कहा, तो उसके संबंध में सबको जागरूक करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं पूरा धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप यहाँ पे से बैठे हुए हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। और साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप उसे कोई मौका अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ में, अपना किसी भी प्रकार का अनुभव या उन्होंने कोई चुनौती जिसका सामना किया हो जिससे हम सभी को यहाँ पर प्रेरणा मिले, तो मैं उसे अनुभव करना चाहूँगी कि अगर आप किसी कोई भी ऐसा कुछ अपने साथ घटना का कुछ करना चाहते हैं हमारे साथ, तो कर सकता है। आप इससे कोई और कुछ बोले लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है और बराबर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम महिलाओं की सुरक्षा के लिए और सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आज हमारी बसों में 10 रुपए की सुविधा, पैनिक बटन की सुविधा और CCTV कैमरों से लैस परिवहन निगम की बसें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में संचालित हो रही है। आप सभी लोग सड़क सुरक्षा के साथ साथ आप सभी बहनों से मेरा अनुरोध भी है कि सड़क सुरक्षा कैसे होगी, आप गाड़ी चलाती हैं हेलमेट पहनिए, अपने जिन जिनके हस्बैंड हैं उनको भी हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक कीजिए, आपके जो बच्चे हैं उनको भी हेलमेट पहनने के लिए जागरूक कीजिए, गाड़ियों से चलती है तो सीट बेल्ट लगाइए, जमीन से लेकर चांद तक पहुंच चुकी हैं, सारे कार्यक्रमों में पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रही हैं। आज महिलाएं कहीं से भी अपना ना होकर एक सबला की भूमिका में भी आप सभी लोगों को समाज में गौरव प्राप्त करा रही हैं। समाज बिना महिलाओं के एक अधूरा है, जब तक समाज में महिलाओं की बराबर भूमिका बराबर सम्मान नहीं मिलेगा समाज का कतई भी विकास नहीं होगा। सड़क सुरक्षा अभियान का खूब स्वागत करते हैं, इसीलिए नारी सशक्तिकरण का भी हम दिल दिल से सम्मान करते हैं। आप पहले भी हमसे बड़ी भाभी परिचित है, हम वो परिचय नहीं जा सकते हैं, हम आप लोगों के बीच के हैं। हमें अपनी और जनता की सुरक्षा के लिए कोशिश करनी चाहिए जिससे हमारी सुरक्षित अभियान सफल हो सके। जैसे मैम लोग आज अपने कीमती समय करके आगे से कीमती समय दे करके तो हम लोग के लिए बीच में है, वो हम लोग को एक जागरूकता करने के लिए ही, हम लोग को प्रोत्साहित करने के लिए ही है जिसका हम लोग एक नीड है। जैसे कि हम लोग आज जो भी हुए हैं, लेकिन हम लोग पहले एक परिचालक थे जिससे हम
जाती है। अभी इस समय की बात है, मैंने भी गाड़ी चलाना सीखा है, मैंने एक लोग को फेंक दिया उसने गलती पर्सनली मेरी ली थी, लेकिन पुलिस वाले ने क्या किया, उसको कह रहा है तुम ठीक से नहीं चल पा रहे हो, तो इसलिए क्या होता है गलती हमारी भी हो सकती है, लेकिन उस गलती को नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए हमसे तो छोटी गलती हो, कभी कभी बड़ी गलतियां नहीं, इससे बड़े एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए हमको खुद को भी सही रख करके ही कोई चीज सुरक्षित चलाना चाहिए। पहले टाइम में हम अपने यहाँ एक महिला को देख रहे हैं जो हमारे यहाँ पायलट है, कंडक्टर कर रहे हैं, उनकी एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन फिर भी वो कंडक्टरी कर रही है अपने बच्चे को लेकर के। उनका वो चाहत देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि वो कार्यालय और कार्य अपने घर के और बाहर के कार्य को एक साथ सामंजस्य बनाए हुए हैं। हर परिस्थिति में खड़ी रह सकती है, ये चीज सामने हम लोग अपने सभी समाज को दिखा सकते हैं। बस और नहीं कुछ कहना है, महिलाओं के लिए हमेशा सारा सम्मान सबका होना चाहिए। धन्यवाद। यात्री सेवा वाहनों में महिलाओं की सम्मान की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए? आप सभी जानते हैं कि अब तो हमारी वजन में महिला कंडक्टर भी आ गई है, चालक के लिए भी आ चुकी है, ऑटो में भी आ रहे हैं, लेकिन उसको सुनिश्चित करने के लिए हमें स्वावलंबन की जरूरत है। हम किसी का इंतजार करें, हमें उस सुरक्षा का एहसास कर अपने अंदर होना है कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित करें। हमें हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आपको साइन कर रहे हैं 112 नंबर या संबंधित जो भी वहाँ कलेक्टर है उसकी भी भूमिका है, आप उस यात्रा के दौरान सुरक्षा का अनुभव कराएं। सुरक्षा हमारे शारीरिक शक्ति का विषय नहीं है, ये सोच का विषय है, जो कि मुझे लगता है कि शायद महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बेहतर सोच पाती हैं। इसलिए मैं साथी जो कि रेलवेज के एम्प्लॉय हैं सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि जब कोई भी महिला बस में सफर करती है तो कोई यात्री या कोई हमारा सहकर्मी इस आने वाले अनुभवी का आगाज करके उसको एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करें, और साथ ही सड़क सुरक्षा के विषय अगर आप कभी देखते हैं कि कोई नशा करके गाड़ी चलाते हो या वापस या पैदल बस में हो, सीट बेल्ट नहीं लगाया हो, या फिर आपके घर में ही आपके पत्नी आपके भाई आपके पिता से कोई भी इस तरह की अगर लापरवाही करते हैं तो आप सभी मानव संबोध है कि आप एक स्वयं सुरक्षा के एम्बेसडर की तरह होने लगा रहे हैं, सुरक्षा के साथ साथ अपने भी विषय जो मूल विषय है अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए उन सभी पे हमें काम करना होगा। एक साथ ऐसे यह शपथ लेते हैं कि हम यातायात संबंधी समस्त नियमों का पालन करेंगे, हम बिना 18 वर्ष की आयु पूर्ण किए तथा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किए संचालन नहीं करेंगे, हम बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल या स्कूटर नहीं चलाएंगे, इस समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे तथा अन्य को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, ढंग से वाहन नहीं चलाएंगे, हम व्यस्त करने के पश्चात वाहन चलाते समय पैदल एवं साइकिल यात्रियों को सम्मान प्रदान करेंगे, हम कभी भी नशे की स्थिति में वाहन का संचालन नहीं करेंगे हम वाहनों पर स्टंट आदि नहीं करेंगे, हम तेज गति से वाहन नहीं चलाएंगे आज जो है
महिला सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत नारी शक्ति मिशन के ऊपर परिवहन विभाग में ये सम्मान समारोह का आयोजित किया गया था, जिसमें नारियों को उत्थान के लिए और उनके कर्तव्यों के प्रति निष्ठा के लिए शपथ पत्र दिलाई गई है और उनको जागरूक भी किया गया है। इसमें परिवहन विभाग के सारे चालक परिचालक और जितने नारी कंडक्टर थी सब लोगों को इसमें जो किया गया है जागरूक किया गया है।